खुशकिस्मती असा सारिया दी के मालिक कायनात ने जिंदगी दे अंदर एक मरतबा फिर जुमतुल मुबारक दियाँ पाक घड़ियाँ नसीब फरमाइयां। खालिक कायनात हजूर दी सारी उम्मत नूं पंज वक्त दा पक्का और सच्चा नमाजी बना देवे। अज तारीख भी बाई है जुमतुल मुबारक 2024 दा पहला पहला महीना है और ऐसे तारीख नूं ही खलीफतुल मुस्लिमीन सहराए मुस्तफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो दा विसाल बा कमाले। मेरे आका दी जहरी उम्र तो 2.5 साल आप उम्र दे अंदर छोटे सन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम दा पहला पहला यार मर्दां दे विचों सब तो पहले ईमान लैण वाली शख्सियत अपना तन मन धन सब कुछ मेरे आका दे कदमां तो निछावर करण वाली जात सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा जिन्ना जिन्ना लोगां मेरे नाल एहसानात किते मैं सारिया दा बदला अपनी जिंदगी उतार के जा रहा वा। एक ऐसी हस्ती है जिन्हां दा नाम अबू बकर है मैं मुहम्मद इंदे एहसानात दा बदला नहीं उतार सकया कल कयामत नूं इस एहसानात दा बदला मेरा रब उतारेगा। हैं जी ए ओ सैयदना अबू बकर सिद्दीक मोहतरम सैयदा तैयबा उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे आका दी प्यारी बीवी मोमना दी मां जिन्ना दी शान दे अंदर अल्लाह ने सूरत नूर नाजल फरमाई जिन्ना दी गवाही मालिक कायनात ने कुरान पाक दे अंदर सूरत नूर दी शक्ल च मालिक कायनात ने खुद बयान फरमाई आ फरमांदियां मेरे आका इमाम उल अंबिया नबिया दे ताजदार उम्मत दे गमखार मेरी गोद दे अंदर आराम फरमा रहे सन। और 14वीं चन्न दी रात सी आसमान ते चन्न अपने पूरे आबो ताब नाल चमक रहा है और मैं आसमान दे चन्न नूं देख रही हां सितारियां दे इर्द गिर्द चन्न पूरी रोशनाई नाल चमकदा पिया है और मैं हजूर दे कदमां ते हाथ ला के अर्ज कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मां बाप कुर्बान हो जान सोनिया आसमान दे जिन्ने सितारे ने आज 14वीं रात नू जड़े चमक रहे हैं क्या इस सितारे बराबर तुहाडी उम्मत विचू किसे शख्स दियां नेकियां हैं ने उच्चिया को सुभान अल्लाह। अच्छा वेखो जी मोमना दी मां दा अकीदा कायनात दे बड़े वड्डे वड्डे साइंसदान पैदा हो गए हो रहे हैं किसे साइंसदान नू ए नहीं पता के आसमान दे सितारे किन्ने ने फिर उम्मुल मोमिनीन दा ए अकीदा सी के मेरे आका सब तो पहले ते आसमान दे सितारियां दी तादाद नू जानदे ने फिर तादाद भी जानदे ने फिर मेरे आका ए भी जानदे ने के इन्हां सितारियां बराबर अगर नेकियां हैं ने ते ओ किंदियां ने। मेरे आका दे कदमां ते हाथ ला के मेरे आका ने फरमाया आयशा जी सोने आ, फरमाया मेरे उम्र दिया सितारे बराबर नेकियां ने सैयदा तैयबा अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा दा चेहरे दा रंग उतर गया ते मेरे आका ने फरमाया आयशा की खैर परेशान हो गई है आके सोने आ, मैं समझ रही सा मेरे अब्बे दिया नेकियां ने नेकियां ते हजरत उम्र दी वध गईयां। मेरे आका ने इरशाद फरमाया फरमाया आयशा मेनू रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम आसमान दे सितारे बराबर नेकियां मेरे उम्र दियां हैं ने अगर अबू बकर दी गल पुछण दी गल आ गई है फरमाया उम्र दियां सारियां नेकियां तराजू दे इक पलड़े च रख दियो मेरे यार अबू बकर दी सिद्दी एक गार अली नेकी एक पलड़े च रखो मेरे यार सिद्दीक दी को नेकी भारी हो जाएगी सारिया नेकिया एक पासे मेरे यार सिद्दीक दी ओ गार अली नेकी
ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਲ ਪਲੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਉਹ ਯਾਰ ਗਾਰ ਅਲੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ, ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਾਰ ਅਲੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ। ਉੱਚੀਆ ਕੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ, ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ, ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਨੇਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਨਾਲ ਹਿਜਰਤ ਅਲੀ ਰਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਉਠਾਇਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਮਾਲ ਔਲਾਦ ਮੁਲਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅਨਕਬੂਤ, ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਜਾਲਾ ਬੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਘਰ, ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਜਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰੀ ਆਈ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਜਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਇਮਾਮ ਉਲ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ। ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਕੜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲਹੀ ਵਸੱਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੇ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਫਾਰੇ ਮੱਕਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕੇ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਖੋਜੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਇਆ, ਐਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਇਸ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੋਜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਮਰ ਬਿਨ ਹਸ਼ਾਮ, ਐ ਅਬੂ ਲਹਬ, ਐ ਉਤਬਾ, ਐ ਸ਼ੀਬਾ, ਇਸ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਕਦਰ ਕਦਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲੀ ਸੱਲਮ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਆਖੋ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਆਖਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਇਆ, ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਡਿਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਘੌਂਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਜਾਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਇਹ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਏ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਅਬੂ ਬਕਰ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਗਮ ਨਾ ਕਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮਤ ਸਮਝੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ, ਆ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਗਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੈ, ਜਗ ਦਾ ਤਬੀਬ, ਉਮਤ ਦਾ ਗਮਖਾਰ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ, ਇੱਕ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਦੀਕਾਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਬੂ ਬਕਰ ਡਰ ਨਾ, ਹੁਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰ, ਲਾ ਤਹਜ਼ਨ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ।
मालिक कायनात खालिक कायनात ने सूरत तौबा दे अंदर इस गल का जिक्र फरमाया है। मालिक कायनात ने फरमाया इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا। मालिक कायनात ने फरमाया ओ दोवां दे विचों दूसरा गार दे अंदर जदों अपने साहिब नूं कह रहा सी ला तहजन अबू बकर हुज़न ना कर ना तैनूं कुछ होएगा ना मैनूं कुछ होएगा क्योंकि एक नबियां दे इमाम दी जात है एक सिद्दीकां दे इमाम दी जात है इन अल्लाह माना तीसरी मेरे नाल खुद रब्बुल आलमीन दी जात है तू परेशान ना हो तीसरी जात रब्बुल आलमीन दी है। ए जनाब काफिर खड़े वापस चले गए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम तीन दिन ते तीन रातां इस गार दे अंदर कयाम फरमाया। इस गार दे आण दीआं वी बड़ियां हिकमतां सन। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम आप ने जो बैतुल्ला दियां नीयां रखियां बुनियादा रखियां ते अर्ज कीती अल्लाह हुक्म होए बैतुल्ला दियां बुनियादा किते रखां। मालिक कायनात ने मकड़ी नो अनकबूत नो हुक्म दिता आया ते ने तंदी ला दिती जाला ला दिता। अल्लाह ने फरमाया जिते जिते ए जनाब तंद ला देवे जाला बना देवे इस जगह उत्ते बैतुल्ला दियां नीयां नु खोदो। बैतुल्ला दियां नीयां खो दिया गई है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह दे घर दियां नीयां नु बुलंद कर रहे हैं। जदों घर बन गया इंदियां दीवारां मुकम्मल हो गईयां इंदी छत मुकम्मल हो गई। हजरत इब्राहिम ने अपन पुत्र इस्माइल नु बुलाया ते आख्या आ मेरा पुत्र इस्माइल मेरा इस्माइल आ जरा मैं रब दी दरबार दुआ मंगना है मेरी दुआ ते तू आमीन आ गणाई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ए मकामे इब्राहिम वाले पत्थर ते खड़े न अज भी उस पत्थर दे अंदर इब्राहिम दे कदमां दे निशान मौजूद ने। इस पत्थर ते खड़े हो गए ते पुत्र नु कह रहे हैं मेरा बेटा इस्माइल अज मैं रब दी दरबार च दुआ मंगण लावा मेरी दुआ ते तू आमीन आखणाई। आख्या अब्बा जी जरा मैनू दसो ते सही मंगना की जा रहे हो। आमने फरमाया इस तो पहले मेरा रब मेरे को मंगदा है मैं देंदा आया वा रब ने मेरे को मुल्क मंगया मैं छड़ दिता है। मालिक कायनात ने मेरी जान मंगी मैं जान भी उन्दे हवाले कर दिती। मालिक कायनात ने मैनू आख्या बीवी ते बच्चे नू छड़ा मैं छड़ के टुर गया। मालिक कायनात ने मैनू हुक्म फरमाया पुत्र दी गर्दन दे छुरी चला मैं ते फेर दिती। मैनू मालिक कायनात ने फरमाया मेरा घर बना ते घर भी मुकम्मल हो गया है अज मेरे मंगण दी वारी आई है रब्बुल आलमीन दे देण दी वारी आ गई है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम नो आप दा बेटा इस्माइल पुछदा है अब्बा जी मंगना की जा रहे हो। आज असी मस्जिद जाने अल्लाह सानू सेहत वाली जिंदगी अता फरमा। जे किसे कोल माल दी कमी है ते माल दी कमी पूरी हो जावे। किसे दा घर कोई नहीं घर मंगदा है किसे दा पुत्र कोई नहीं पुत्र मंगदा है किसे नु सकून कोई नहीं सकून मंगदा है। मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी ख्वाहिशात नु लेके आने ए अल्लाह दे दोस्त ने जिन्हां नु मालिक कायनात ने लकब खलीलुल्लाह दा दिता है। आपने फरमाया पुत्र मैं दुआ मंगन लगा वा मेरी दुआ ते आमीन आख।
आके आपा जी मंगना की जे। आपने फरमाया मैं अल्लाह दे खजाने दे अंदर एक हीरा है जिस हीरे दा नाम है मा कान मुहम्मदुल अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातम नबी। आमने फरमाया मैं अल्लाह दी दरबार दी विच उस रसूल ला सवाल करन आला वा जिन्ना दा ना आसमाना ते अहमद होएगा जमीन ते इन्हां दा ना मुहम्मद होएगा। अहमद अहमद दा मतलब लफजी तर्जमा है वे एक बारी अहमद आखोगे सब तो ज्यादा हमद करन वाला बन जाएगा, एक बारी मुहम्मद आखोगे सब तो ज्यादा तारीफ हो जाएगी। आख्या मैं रब दे खजाने दी जो सवाल करना लावा मेरी दुआ दुते आमीन आक अप्पा जी भी तैयार हो गए दुआ मंगन वास्ते। मालिक कायनात ने इब्राहिम अली सलाम दी दुआ दा जिक्र सूरत बकरा पहले पारे दे अंदर बयान फरमाया है। दुआ वक्त हाथ बुलंद कीते पुत्र ने भी बुलंद कीते इब्राहिम अली सलाम दुआ मंग रहे ने अर्ज कर देन रब्बना وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ। आख्या अल्लाह और रसूल सानू अता फरमाए ओ सानू प्यारा नबी अता फरमाए उस इस उम्मत दे अंदर आवे आके इन्हां नू जनाब तेरियां आयतां भी सुनावे इन्हां नू इल्म भी देवे इन्हां नू किताब दा इल्म भी सिखावे इन्हां नू हिकमत भी सिखावे इन्हां नू पाक भी कर देवे। पर मैं दुआ मंगना वा अल्लाह उन्हूं भेज इंज मैं इस घर की मजदूरी की दिए मैं दुआ मंगना वा अल्लाह और रसूल सानू अता फरमा मेरा बेटा तेरे घर की मजदूरी करता रहा है इनू सिला ए अता फरमा इंदी औलाद विचों अपने नबी मुहम्मद नू भेज दे इस्माइल दी औलाद विचों उस नबी दी आमद आमद हो जावे। ओ मियां जी जदों तेरे ते मेरे नबी दा नामे नामी इसमें गिरामी हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम दी जुबान मुबारक दे जारी होया इब्राहिम नू भी तेरे ते मेरे नबी नाल मुहब्बत इस्माइल नू भी तेरे ते मेरे नबी नाल मुहब्बत। ओ जड़े पत्थर ते कड़े सन उस पत्थर ने जदों तेरे ते मेरे नबी दा नामे नामी इसमें गिरामी सुनया इनू भी तेरे ते मेरे नबी नाल मुहब्बत हो गई इनू भी जदों इश्क होया ते ए पत्थर पानी पानी हो गया। हजरत इब्राहिम अली सलाम दे जनाब कदम इस पत्थर दे अंदर जज्ब हो गए। इब्राहिम अली सलाम हैरान होके पुछदे ने अल्लाह इस पत्थर नु की हो गया है। आवाज कुदरत आई फरमाया इब्राहिम जिवें तू मेरे नबी दिया जिक्र कर रहा है उस नबी नाल इस पत्थर नु भी इश्क हो गया है। अल्लाह ताला ने उन्हें पानी पानी कर दिता फरमाया तू पत्थर हो के जे मेरे यार नाल मुहब्बत करे आ मैं तेनू कयामत तक ए जनाब इनाम देना वा। अल्लाह की इनाम है फरमाया वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मैं कयामत तक इस पत्थर नु मुसल्ला बढ़ा देता है। उच्ची आखो उच्ची सुभान अल्लाह। तुहाडे विचो केड़ा केड़ा हाजी गया जिन्ना बैतुल्ला की जियारत की थी उच्ची आखो सुभान अल्लाह। उते जाके नफिल पढ़न मकाम इब्राहिम ते नफिल पढ़न अल्लाह ताला सा सारे नु उस जगह ते नफिल पढ़न दी अल्लाह तौफीक अता फरमावे। ओ भाई होर भी पत्थर है ने मक्का सारा पहाड़ा नाल भरिया होया है पर मकामे इब्राहिम नू क्यों शान मिल गई है मकामे इब्राहिम नू क्यों इज्जत मिल गई है। इब्राहिम अली सलाम दे क्या होर पहाड़ा पत्थर दे कदम नहीं लगे सारे पहाड़ जो है ने भाई चलते रहन कदम दे लगते रहे हुण पर किसे पत्थर दे इब्राहिम दे कदम दे निशान सारे
बोलो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि वह पत्थर मेरे यार मेरे महबूब का आशक बन गया है। उच्चे आखो सुभान अल्लाह। ते आशक दी एक अपनी रमज होंदी है, आशक दा अपना मकाम होता है, आशक दी अपनी एक जिंदगी होती है, आशक दी अपनी एक लज्जत होती है। सुल्तान इस इश्क का जिक्र कर गए। उच्चे आखो सुभान अल्लाह। एक बार फिर कह दो फरमाने ने इश्क दी अग हड्डा बालन आशिक पे सिकेंदे हो गद के जान जिगर विच आरा ए वाग कवाब तलींदे हो सर गर्दान फिरन हर वेले ए खून जिगरदा पींदे हो हजारा आशिक बाहो पर इश्क नसीब कहीं दे हो। उच्चे आखो सुभान अल्लाह। ए अनकबूत जिन्हों मकड़ी असी आखने मकड़ी, इन्हें भी आख्या या अल्लाह मैं भी तेरे घर की मजदूरी की है। जिस हबीब का जिक्र हो रहा है ना उस हबीब की मैनू भी जियारत हो जाए। ईसा अली सलाम ने अपनी उम्मत नू तेरे ते मेरे नबी का जिक्र खैर सुनाया। उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। आप दी कौम आप नू मन गई सी कि अल्लाह दे रसूल ने, पर एक दिन आपने अपनी कौम नू कट्ठा किया, कौम नू कट्ठा करके ते कहन लगे आज मेरा तुहाडे नाल कोई खसूसी खिताब है। उच्ची उच्ची आखो सुभान अल्लाह। महफिल होंदी ना जी महफिल, एक छोटा खतीब होंदा है ते एक वड्डा खतीब होंदा है, फिर एक दरमियाना खतीब भी होंदा है, एक होंदा खसूसी खिताब। आमने कौम नू कट्ठा कीता बनी इसराइल नू ते कहन लगे आओ आज मेरा तुहाडे नाल एक खसूसी खिताब है। कौम कट्ठी हो गई, उन्हें आखे जी की खिताब है, तुसी सुभान अल्लाह कह दो। उन्हें जड़ा खिताब फरमाया ना खिताब, अल्लाह ताला ने 28वें पारे दी सूरत सफ दे अंदर बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह दी गूंज आवे यार। उन्हें क्या वइज काल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह। ईसा अली सलाम ने फरमाया और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा कि ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। कौम ने आख्या अल्लाह दे नबी ईसा असा तो तुहानू पहले दिन तू जान गए सा तुसी अल्लाह दे रसूल हो, की हो असी तो तुहानू पंगूड़े च मन लिया सी कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो। जो आप बोल पे सन काल इन्नी अब्दुल्लाह आता नियल किताब वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन अइनमा कुंतु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कति मा दुमतु हय्या व बर्रम बिवालिदती व लम यजअलनी। उन्हें क्या अल्लाह दे नबी ईसा सी ते तुहानू बचपन तो मन लिया सी कि तुसी अल्लाह दे रसूल हो, आज फिर क्यों कह रहे हो कि इन्नी रसूलुल्लाह मैं तुहाडे कोल अल्लाह दा रसूल बन के तशरीफ ले आया वा। आमने फरमाया आज गल बड़ी वड्डी हो रही है कि सारे बोलो
इस वास्ते तुहानूं मैं फिर कह रहा कि मैं रसूल हाँ। इस तों बाद जिहड़ी गल होएगी उहदे उत्ते रसूल दी मुहर है। की है? तुसीं इस गल नूं मन लवो कि मैं अल्लाह दा सारे बोलो रसूल हाँ। उन्हें आखिया जी असीं ते मन्ने रसूल हो तुसीं। आपने फरमाया इलैकुम मुसद्दिकन लिमा बैन यदय्य मिनत तौराती वमुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये जिड्डी आयत वड्डी वड्डी सी तुसीं सुभान अल्लाह बड़ा थोड़ा आ गया। उन्हें आख्या मेरी कौम मैं तुहाडे कोल अल्लाह दा रसूल बन के तशरीफ लै आवां। मैं जिस हस्ती का हुण जिक्र करन आला ना उस हस्ती का ना तुस गौर नाल सुन लवो। उन्हें कहा जी दसो। आपने फरमाया मेरे तो बाद मेरे तो सारे बोलो एक अल्लाह दा होर रसूल तशरीफ लैके आना लेन। वो हैरान रह गए। फरमाया को होर आन गए। फरमाया हाँ। उन्हें पूछा उन्हें ना की होएगा। आपने फरमाया मिम बाद इस्मुहु अहमद मिम बाद इस्मुहु अहमद उन्हां दा नाम अहमद होएगा। उची उची कहो सुभान अल्लाह। कौम खड़ी होगी कहन लगी अल्लाह दे नबी ईसा तुहानू अल्लाह ने इशान दिती है तुसी मुर्दे जिंदा करदे हो। तुसी मुर्दे जिंदा करदे हो। मादर जात अंधियां नू अखां देंदे हो। कोड़ दे मरीज आन ते अपना हाथ फेर के शिफा बंड देंदे हो। हैं मिट्टी दे परिंदे बना के हवा उड़ा छड़दे हो। तुसी रसूल हो के जिस रसूल दा जिक्र सानू सुना रहे हो उन्हां दा की मकाम होएगा। उच्ची आगो सुभान अल्लाह। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओ मेरी कौम मैं मुर्दे जिंदा कीतन जेड़े पहले जिंदा सन मर गए मैं दोबारा जिंदा कर दिता है। ए जिस रसूल दा जिक्र तुहानू मैं सुना रहा वा ए ते जनाब इंज लक्कड़ नू हाथ लाण गए ते लक्कड़ भी बोल पवेगी। मैं मुर्दे जिंदा करना वा जड़े पहले जिंदा सन ते मर गए मैं कुंभ इज़निल्ला करके जिंदा कर दिते। मैं उस रसूल तुहानू जिक्र खैर सुना रहा वा जिन्हां दे हाथ दे अंदर कंकरियां भी आण गियां ते बोल पैण गियां। मैं उस रसूल दा जिक्र खैर तुहानू सुना रहा वा अगर दरख्तां नू भी बुलाणगे ते दरख्त भी चलदे आणगे। मैं उस रसूल दा तुहानू जिक्र खैर सुना रहा वा अपना लुआबे दहन खर खूह च पान गे ते मिठा हो जाएगा। ए अपना लुआबे दहन किसे दी अख निकली हो पान गे ते अल्लाह ठीक कर देगा। कौम यक जबानों के कहन लगी तुहाडियां ते शाना तुसा मुर्दे जिंदा करो कोड़ दे मरीज ठीक करो मिट्टी दे परिंदे बना के हवा जुड़ाओ तुसा जनाब मादर जात अंधियां नू अखां दा करो। आपने फरमाया सारा कुछ मैं करना वा पर एक करण तो पहले मैं अल्लाह को पूछना वा अल्लाह तेरी इजाजत मैं कर लवा। अल्लाह मैनू इजाजत देंदा ईसा मैं अल्लाह दी तरफो इनू इजाजत तुसा मिट्टी दे परिंदे भी बनाओ मादरजाद अंधियां नू अखां भी दो तुसा जनाब मुर्दे भी जिंदा करो। अज मैं जिस रसूल दा तुहानू जिक्र सुना रहा वा इन्हां नू इजाजत लैण दी जरूरत नहीं पैनी। अल्लाह ताला ने इन्हां नू हमेशा वत इजाजत दे दित्ती है। ए सूरज बुलाण ते वापस आएगा। ए चन ते दो टोटे करन ते चन भी दो टोटे हो जाएगा। ए पत्थरां नू कलमा पढ़ाण ते कत्थर भी पत्थर भी कलमा पढ़णगे। ए गो कोलो कलमा पढ़ाण ते गो भी कलमा पढ़ेगी। ए जनाब दरख्तां नू बुलाण ते दरख्त भी आणगे। मैं उस रसूल दा तुहानू जिक्र खैर सुना रहा वा एक सप भी ईसा अली सलाम दा खिताब सुन रहा सी कहण लगा अल्लाह दे नबी ईसा मेरे तुवी दुआ मंगो जिस नबी दा तुसा अज जिक्र खैर कर रहे हो अल्लाह मैनू इस रसूल दी ज़ियारत नसीब फरमा छड़े।
ਉੱਚਿਆ ਕੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 31 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 32 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਾ